नमस्कार, आपका स्वागत है माता जी के किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं सोयाबीन दाल के पकोड़े। ये देखिए, इसको हमने भिगा लिया था पानी में रात में और हमने निथार लिया है। अब हम इसको दरदरा पीसते हैं। ये देखिए, हम इसमें अदरक भी डाल रहे हैं और हरी मिर्च है 5। ये देखिए, हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच नमक, स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। हमने इसमें हरा धनिया डाला है और थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें हल्दी, आधी चम्मच, और चुटकी भर हींग डालेंगे। हम थोड़ी सी इसमें अजवाइन और आधी चम्मच गरम मसाला। ये देख ली, हमने मिक्स कर दिया है। हमने इसमें मिर्च नहीं डाली क्योंकि हरी डाली है, हम इसके पकौड़े बनाते हैं। ये देखिए, हमने सोयाबीन दाल के पकौड़े बना लिए हैं। ये देखिए, हमने तल लिए। ये देखिए, हमारे सोयाबीन के पकौड़े बनकर तैयार हैं दाल के। आप भी बनाइए, खाइए, हमें ज़रूर बताइए। कुरकुरे भी हैं और सॉफ्ट भी हैं। दही से खाइए, चाय चटनी से खाइए।